हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल रानू जी एफेक्ट में। और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ होली स्पेशल, आपको बधाई पोस्टर, जो कि आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप लोग अपना बधाई पोस्टर बना सकते हैं। काफ़ी लेट तो हो गया है, पर क्या करें, अब कल के बाद होली है तो सोचे चलिए थोड़ा टाइम है तो इसमें ही अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आप लोगों को PSD फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ, और आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, तो चलिए मैं एक बार उसका रिव्यू करा देता हूँ, और कैसे कैसे हमें एडिट करना है, उसको क्या क्या करना है, सब कुछ आप लोग को बता देता हूँ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपना जो है, मैं PSD फाइल जो सेव किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये जो है आप लोगों को PSD फाइल प्रोवाइड किया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से मैं PSD फाइल ओपन करूँगा, ये देख सकते हैं, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या क्या करेक्शन हुआ है, सब कुछ है टोटली, ठीक है। इसमें देख सकते हैं लेयर बाई लेयर है सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जहाँ जैसे चाहेंगे वो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं आप अपना, जो है कि हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। इमेज वगैरह ये देख सकते हैं, सारा कुछ इसमें आप लोग फुल एडिटेबल कर सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं आप लोग इसमें। ये देखिए, तो आप लोग ऐसा एडिट कर सकते हैं कोई भी फ़ोटो। नॉर्मली आप लोग जाएंगे अपने PC में, और PC में जाने के बाद आप लोग कोई भी फ़ोटो उठाइएगा और जाइएगा फोटोशॉप में, बैकग्राउंड रिमूव, फर्स्ट हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो बैकग्राउंड हम लोग का रिमूव हो गया है, और इसको लेके चलेंगे अपने पोस्टर पे, और यहाँ पे करेंगे ऐसे, आप लोग ऐसे लगा सकते हैं अपना फ़ोटो कट करके, और नाम वगैरह भी जो है लिख सकते हैं, कलर वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कलर वगैरह भी लगा सकते हैं ये यहाँ से। आप लोग ऐसे मोड चेंज करेंगे तो आप लोग को कलर दिख जाएगा, कैसे कलर कौन सा लगाना है, ठीक है। अभी डार्क है, एक मिनट में आप लोग को दिखा देता हूँ लगाकर। यहाँ से हाईलाइट कलर लीजिएगा, मैंने डार्क ले लिया था, और फिर यहाँ से मोड चेंज करिएगा, देख सकते हैं मोड चेंज करेंगे वो आपको पता लग जाएगा कौन कलर कैसे एडजस्ट होगा, ठीक है, डार्कनेस चाहिए या कौन सा कलर चाहिए, सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, और उस हिसाब से आप कलर लगा सकते हैं, नेम वगैरह, फ़ोटो वगैरह। और मैं इसका PNG फाइल भी दे दूंगा, जो लोग मोबाइल यूज़र हैं वो मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो आप लोग को PSD फाइल प्लस जो है उसके साथ PNG फाइल दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से PNG फाइल भी आई सामने एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसे हटा दिया, अब आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको PNG फाइल में एक्सपोर्ट कर दूंगा, और दोनों को एक ज़िप फाइल बना के उसमें कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैं आप लोग के सामने ज़िप फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इसी में मैं डाल देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं इसमें सारा कुछ है। अब इसको मैं ज़िप कर देता हूँ, PSD भी है और वो भी है, तो एक बार हम लोग इसकी साइज़ देख लेते हैं, 240 MB बन रही है। तो दोस्तों, मैं PSD का अलग लिंक दे देता हूँ और PNG का अलग, ठीक है। तो ये रहा PSD, इसको जी फाइल विदाउट पासवर्ड है, आप लोग डाउनलोड करिएगा, पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। और ये PNG फाइल का जी, दोनों का अलग अलग आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, दोनों का अलग अलग लिंक, अब विदाउट पासवर्ड है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं आप लोग वीडियो कैसी लगी है, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।